अमु विराट की कहानी कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, टेलीविजन की भाषा में समझाओ ना तो अम्बीरा की कहानी है। अम्बीरा मतलब अमू का अम, वीरा का विराट, ऐसा ट्रेंड है ना, समझाना इसको। उनकी कहानी में थोड़े से प्रॉब्लम है, थोड़ा ड्रामा है, लेकिन रोमांस भी बहुत सारा है। तुम देखना उन दोनों की कहानी में जितने भी विलन है ना, वो सब छोड़ के इस नवरात्रि उन लोगों का प्यार जरूर जीतेगा। अरे कौन जीतेगा और क्या जीतेगा? तेरा और विराट का प्यार जीतेगा। जान, तू ऐसे अमु को परेशान मत किया कर, इसे ये सब पसंद नहीं है। और अमु तू बता दे जहान को कि तेरे और विराट के बीच में कुछ नहीं है। ओए, मुझसे ज्यादा तो तू परेशान कर रही है इसे झूठ बोलने को कह के। अमु रहने दे, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, जवाब देने की जरूरत है और फैसला भी करना है, वरना जिंदगी भर ना तू इस रिश्ते में फंसी रह जाएगी। देख अमू, तू एक बार कह दे, सिर्फ एक बार कह दे कि तू उस लड़के के साथ नहीं रहना चाहती, फिर देख हम तुझे यहां से जाने ही नहीं देंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं जाने देंगे, शादीशुदा लड़की है, जिंदगी भर ऐसे मायके में बैठी रहेगी? तुम लोगों के दुबई में होता होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जहान, ये शादी कौन सी असली शादी? एग्जैक्टली, अमू ने बोल दिया ना। क्या बोला उसने? क्या बोला, क्या बोला तूने? तूने इससे पूछा कि इसके और विराट के बीच में कुछ नहीं है ना? इसने कहा नहीं है। कुछ बोला उसने? नहीं ना। क्यों? क्योंकि है। भवानी, इन दोनों के बीच में बहुत कुछ है, और थोड़े दिन पहले तो तुझे भी सब कुछ दिख रहा था ना। पता नहीं अब कौन सा सांप सूंघ गया है, या फिर सांपिन। जहां तू चुप रहे। मैं क्यों चुप रहूं? क्योंकि अम्मो हमारी लड़की है। ओए बड़ी माँ मानती है वो मुझे, बता ना इसको तू। अरे मैं वही, तुम ये बड़ी क्या आपस में, अरे तुम मुझे क्यों समझा रही, इसे समझाना। अरे वो क्या, चुप। सॉरी, देखिए हमें स्टॉल लगाना है ना हॉस्पिटल में, और बेकार की बहस में लगे हुए, चलिए वहां जाने की तैयारी करते हैं। हाय भाभी। हाय। हम सब आपकी हेल्प करने आए हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं सब। थैंक यू। थैंक यू। हमने सोचा हम भी थोड़ा पुण्य कमा ले रहे इस छत्री इवेंट में। मामी चैरिटी। वही वही। थैंक यू। अमू के ससुराल वाले हैं? अमू की हेल्प के लिए आए, पर ये हाथी जैसी लोहे की कड़ाई उठाने के लिए इनके हेल्प करने कौन आएगा, कौन पधारेगा? जमाई है ना आपका। उठाना है ना। अरे बाप रे। वैसे बैंकर, मैं ये उठा तो पाऊंगा ना। आई मीन शोले के डोले शोले काम आएंगे तो मैं तो बता होगा। जल्दी करते ना, हमें देर हो रही है, आप उठाइए। चलो चलो चलो, बहुत तैयारी करनी। चलो चलो चलो।
डोंट वरी भाई, ठीक है, आप उनके साथ हो ना? हम, तुम, मैं, हम सब उनके साथ है। बाय। इश्का कहाँ जा रही हो? इतना तैयार होके मैं कहाँ जाऊंगी? नवरात्रि का फंक्शन है ना, वही जा रही हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारी तबीयत खराब है ना? बीमार नहीं हूँ मैं, प्रेग्नेंट हूँ। और ये बात ना मुझे लोगों से छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात का एहसास तुम्हारी बेटी ने मुझे करवाया, इसलिए उसे थैंक यू बोलने जा रही। ऑलराइट, बाय। इशिका वहां आ रही है ब्रो, भाभी को थैंक्स बोलने। कुछ तो खिचड़ी पका रही है। ऐसे मत देख विराट, नजर लग जाएगी। नाइफ का कोई भरोसा नहीं है।